पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अमेरिकन विजिट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यूएस विजिट के साथ, जिसमें दोनों पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की बॉडी लैंग्वेज में क्लियर डिफरेंस नजर आया। आइए देखते हैं आतिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट इस सिलसिले में। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अमेरिका विजिट और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात को डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। स्पेशली इमरान खान की प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर इसको कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के 2015 में होने वाले यूएस विजिट और उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बात की जा रही है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप क्वालिटीज और कॉन्फिडेंस लेवल की। कहा जा रहा है कि खान की बॉडी लैंग्वेज नवाज शरीफ के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एडमायर योर स्टेटमैनशिप। आई फील दैट आई थिंक वी विल डिस्कस दिस। आई थैंक यू वंस अगेन एंड लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू एंड मिस्टर ओबामा, मिसेस ओबामा। वी विल बी गिविंग यू गुड न्यूज़ अबाउट द टू हॉस्टेजेस। थैंक यू। एंड कीमा एंड दाल इज वेटिंग फॉर यू। याद रहे प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग से एक दिन पहले कैपिटल वन अरीना वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए इमरान खान का कहना था कि वो ना कभी किसी के सामने झुके हैं और ना पाकिस्तानी कौम को झुकने देंगे। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पे तक अपनी बात खत्म करता हूँ, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में नवाज शरीफ के यूएस विजिट पर $4 लाख से ज्यादा खर्चा आया था, जबकि इमरान खान के रिसेंट विजिट का खर्चा $50,000 के करीब बताया जा रहा है। आतिफ कुरैशी।